प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड यथोचित व्यवहार और टीकाकरण ने गंभीरता से लागू करबा माथे दिया जोर। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर रो प्रसार रोकबा खातर गृह विभाग 19 अप्रैल तक खातर विशेष गाइडलाइन करी जारी। शहरी क्षेत्र में कक्षा 9 तक स्कूल बंद। शादी में सिर्फ 100 मेहमान की अनुमति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज। काल 1729 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे बत्ती जयपुर में 258 नव मामलों आए सामने। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। 7,91,00,000 लोगों ने लगाया जा चुका है टीको। प्रदेश में भी जारी है कोरोना टीकाकरण। और प्रदेश में गर्मी रा तेखर तेवर तीखो होबा लाग गया है। आबाड़ा 2 दिन में कुछ ठोरा माथे धूल भरी आंधी रा है आसार। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। प्रधानमंत्री कहा कि महामारी का फैलाव ने रोकबा खातिर 5 सूत्रीय रणनीति टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड यथोचित व्यवहार और टीकाकरण ने गंभीरता से लागू करना चाहिए। कोविड यथोचित व्यवहार खातिर काल से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलायो जावेलो, जिनमें 100% मास्क पहनवा, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक ठोरा माथे साफ सफाई माथे जोर दियो जावेलो। वटे महाराष्ट्र पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीम दौरो करेली। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और देश में चल रहे टीकाकरण की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट और कोविड यथोचित व्यवहार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए तो महामारी के फैलाव पर काबू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया और सतत कोविड प्रबंधन, सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को सर्वोपरि रखने का निर्देश दिया। बैठक में तय हुआ है कि कोविड यथोचित व्यवहार के लिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मास्क के 100% उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों कार्यस्थलों पर स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। पीएम ने आने वाले दिनों में कोविड यथोचित व्यवहार लागू करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि बेड टेस्टिंग की सुविधा और समय पर अस्पताल में भर्ती होने जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर की उपलब्धता और बाकी जरूरी चीजों में सुधार करके और सभी अस्पतालों तथा घरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करके हर हाल में मौतें रोकने के लिए काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कोविड संक्रमण और मृत्यु वाले राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीमें भेजने का निर्देश दिया है। इस टीम में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सक शामिल होंगे। बैठक में आंकड़ों के जरिए बढ़ते कोविड संक्रमण के मामलों का प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें बताया गया कि 10 राज्य ऐसे हैं जहां देश के कुल संक्रमण के 91% से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के हालात को चिंता का कारण बताया गया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 14 दिनों में देश में कुल कोविड संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 57% है। साथ ही पिछले 14 दिनों में देश में कोविड से हुई मौतों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 47% है। पिछले 14 दिनों में देश में कुल कोविड संक्रमण के मामलों में पंजाब की हिस्सेदारी 4.5% है। हालांकि मौत के आंकड़े में इसकी हिस्सेदारी 16.3% है, जो गंभीर चिंता का कारण है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पिछले 14 दिनों में देश के कुल कोविड संक्रमण के मामलों में उसकी हिस्सेदारी 4.3% है, जबकि मौत के आंकड़ों में उसकी भागीदारी 7% है। प्रधानमंत्री ने संक्रमण प्रसार रोकने के कदमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ ही सक्रिय मामलों की खोज और रोकथाम क्षेत्रों में प्रबंधन में सामुदायिक स्वयंसेवकों की भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि वो संक्रमण फैलने पर रोक लगाने के लिए उन जगहों पर कड़े कदम उठाएं और व्यापक प्रतिबंध लगाएं जहां ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन राज्यों और जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां पर मिशन मोड में काम करते रहने की जरूरत है
ताकि पिछले 15 महीने में देश ने कोविड प्रबंधन से जो सामूहिक बढ़त हासिल की है वो जाया ना जाए। बैठक में कोविड 19 टीकाकरण अभियान के प्रदर्शन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही विभिन्न समूहों में टीकाकरण अन्य देशों के मुकाबले टीकाकरण में भारत के प्रदर्शन और राज्यों के प्रदर्शन के विश्लेषण पर विचार विमर्श हुआ। ये सुझाव भी दिया गया कि टीकाकरण के हर दिन के आंकड़ों का विश्लेषण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि जरूरी सुधार किए जा सके। बैठक में वैक्सीन के शोध और विकास के साथ ही मौजूदा वैक्सीन निर्माताओं की उत्पादन क्षमता और ट्रायल में चल रही वैक्सीन की क्षमता पर भी चर्चा की गई। यह भी बताया गया कि वैक्सीन निर्माता कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही हैं और अन्य घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ ही चर्चा कर रही हैं। इस बात को प्रभावी तरीके से बताया गया कि बढ़ती घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत अन्य देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सभी प्रयास चल रहे हैं। बैठक में इस बात पर भी जोर रहा कि देश में बढ़ते मामलों के पीछे मुख्य रूप से कोविड यथोचित व्यवहार का पालन न करना, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन न करना जैसे कारण जिम्मेदार हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर रो प्रसार रोकबा खातिर गृह विभाग 19 अप्रैल ताई विशेष गाइडलाइन जारी करी है। एड़े तहत शहरी क्षेत्र में कक्षा 1-9 ताई नियमित गतिविधियां बंद रहेली। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेला। वहीं रेस्टोरेंट में टेक अवे डिलीवरी में छूट रहेली। वटे जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर संक्रमण री स्थिति रा आधार माथे रात्रि कर्फ्यू रो टाइम बदलवा रो फैसला ले सकेला। हालांकि रात 8 बजे सु पहली और सुबह 6 बजे पच्छे कर्फ्यू लगावा खातिर राज्य सरकार सु अनुमति लेनी होली। कॉलेज रा अंतिम वर्ष ने छोड़ यूजी पीजी री नियमित गतिविधियां बंद रहेली। वटे शादी माए भी सिर्फ 100 मेहमाना ने बुलावा जा सकेलो। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता थका लोगों ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि देश में कोरोना रा मामला काल 1 लाख सु बत्तू हो गया है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रही है। असिया में बाहर सु राज्य में आवाड़ा जावाड़ा लोगों खातर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए हो। जो बिना टेस्ट के राजस्थान में आवेला वड़ा 14 दिन क्वारंटाइन करियो जावेलो। कल देश में करीब 1 लाख पॉजिटिव केसेस आए, जो मैं समझता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में कई कम और कई ज़्यादा ये पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को 70% RT-PCR टेस्ट करने हैं। आप जानते हैं राजस्थान तो पहले से ही 100% RT-PCR टेस्ट कर रहा है। अभी हमारी कैपेसिटी 70,000 टेस्ट पर डे की है। आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ा के 1 लाख करेंगे। इसके लिए काम शुरू हो गया है और जो इक्विपमेंट है वो मंगाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो खतरो बढ़ियो हुए है। प्रदेश में काल 1729 लोगों में संक्रमण री पुष्टि हुई है। सबसे बत्ती जयपुर में 258 नवा मामलो सामने आया। वठे कोटा में 225, जोधपुर में 194, उदयपुर में 137 नवो मामलो दर्ज करो गए हुए। एक्टिव मरीज री संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिकवरी रेट में भी कमी आई है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण ने लेर चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड माथे है। 8 रोज 2532 कोरोना जांचें हो रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बलवंत मंदा बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ रही है। लोग कोरोना गाइडलाइन रो पालन करें। अभी जिस तरीके से कोविड के केसेस आ रहे हैं, संक्रमण की दर इसमें पिछले एक सप्ताह से इसमें बढ़ रही है और जिस तरीके से राज्य स्तर से जो निर्देश प्राप्त हैं प्लस जो होम डिपार्टमेंट की, गृह विभाग की जो गाइडलाइन निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन के ऊपर भी जिस तरह की जो सैम्पलिंग रेंडमाइजेशन की जानी चाहिए थी वो की जा रही है। उसके साथ ही जो पॉजिटिव केसेज हैं
उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन कॉन्टैक्ट्स के अंदर भी काफ़ी के अंदर पॉजिटिविटी अभी निकल के सामने आ रही है। इसलिए आम जन से भी निवेदन है कि सर्वप्रथम तो वैक्सीनेशन के अंदर पूर्णतः सहयोग करें और जल्द से जल्द अपना जिस तरीके से 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के समस्त व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दिया गया है, तो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएँ, अपना वैक्सीनेशन पूर्ण करवाएँ। देश में अब तक लगभग 7,91,32,000 लोगों ने कोविड टीको लगाया जा चुके हुए। दुनिया रा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान में महज 78 दिन माथे भारत ये रिकॉर्ड बनाए हुए। 45 साल से ऊपर सगड़ा लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। 82,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 92.80% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.31% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 52,847 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड 19 की अब तक 7,91,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना से बचाव खातिर बड़ा स्तर पर माथे वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। इणरे तहत जयपुर रा सांगनेर गेट स्थित महिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन रो काम करियो जा रही है। जिला में आज केंद्र माथे 45 साल से 32 उम्र रा लोगों ने वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल रो पूरो ध्यान रखियो जा रही है। महिला अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की तरफ से की तरह 13 अप्रैल 2020 से काम कर रहा है और इसने सब स्टाफ ने बहुत अच्छा बहुत मेहनत से इसमें काम किया है। और अब वैक्सीनेशन जब से स्टार्ट हुआ है हमारा स्टाफ करीबन 9,000 से ज़्यादा को वैक्सीनेट कर चुका है। 1 अप्रैल से मोर देन 45 ईयर्स के लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 80 से 90 प्रतिदिन लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जब से ये 45 प्लस का स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो बढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली रोज 70-80 लग रहा है, कल हमारे यहाँ 71 लगा, उससे पहले वाले दिन 82 लगा, अभी एक ही बजे और हमारा 38 क्रॉस हो चुका है। तो नॉर्मल ये रेशो रह रहा है 70-80, तो रोज बेनिफिशरीज आ रहे हैं। कोरोना की वजह से टीका लगा है, कोरोना फैल रहा है, दोबारा दूसरी बार आ गया है, इस वजह से टीका लगवाना जरूरी है, क्यों कोरोना फैल रहा है, कोरोना की बीमारी दूसरी आ रही है। साथ में मास्क लगाना बहुत जरूरी है, पास में बैठना भी बहुत दूरी बैठना जरूरी है। 59 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने आज महिला चिकित्सालय में टीका लगाया है। आज इस जिस रफ्तार से ये कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से सबको जरूर लगाना चाहिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है और जरूर ये कोरोना जो वैक्सीन चल रही है वो जरूर लगवाएं और सभी इसका लाभ उठाएं। मैं कोरोना टीका लगवाए मेरे को अभी 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं है। अतः मैं सभी से ये कह रहा हूँ कि जो भी कोरोना टीके नहीं लगाया है वो अपने आके यहाँ कोरोना के वैक्सीन जरूर लगवाए। झुंझुनू माए आम लोगों में कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूकता आबारा उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने वैक्सीन लगवाई। पीठासीन महंत ओमनाथ महाराज और कमरुद्दीन शाह दरगारा गद्दी रशीदी जिला कलेक्टर कहा कि सगड़ा लोग वैक्सीन लगवाना कोरोना के खिलाफ जंग में भागीदार बने। शहर में रोहितों की बगीची में हमारे जो दानदाता हैं, हमारे जो भामाशाह हैं और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उनके द्वारा एक विशाल वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है जिसमें लोगों में भारी उत्साह है। इस कैंप की सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि इन्होंने पिछले 7-8 दिन से लगातार घर घर जाके और हर व्यक्ति को जाके कन्विंस किया है और उनको समझाने की कोशिश किया है कि कोरोना से बचने के लिए केवल 2 ही उपाय हैं, मास्क पहन के रखें और दूसरा लगातार वैक्सीनेशन कराते रहें। वैक्सीनेशन का दूसरा डोज जो बूस्टर डोज है उसको अवश्य लगाएं। इसी तरह जयपुर व्यापार महासंघ री कोरोना काल रे दौरान आ रही परेशानियां ले लेर एक बैठक आयोजित करी। इस मौके महासंघ रा पदाधिकारी सरकार से मांग करिया कि कोरोना नियमा री कड़ाई से पालन करवाई जावे पर बाजार रा टेम माए कटौती ना करी जावे। व्यापार 25% रह गया,
जो कि हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए जयपुर में होलसेल, सेमी होलसेल और मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी है। अब बाहर का जो आसपास के हैं या दूरी से जो हमारे यहाँ माल लेके जाते हैं, बिल्कुल वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो सुबह आते हैं और रात को अपने घर पे चले जाते हैं माल लेकर के, तो वो बिल्कुल संख्याएं नग्न के बराबर हो गई। साथ ही राजस्थान में जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जो कि हर क्षेत्र से जयपुर में टूरिस्ट आता है। नाइट कर्फ्यू की वजह से ये टूरिस्ट आना बंद हो गया, तो जो व्यापार पहले था और अभी अच्छा चलने लग गया था, लेकिन अभी 25% की स्थिति पर भी हमारा व्यापार नहीं चल रहा। सामने हमारे शादियों का सीज़न है, त्योहारी सीज़न है, तो इसकी वजह से हमको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार से हम ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगाने के बजाय और अन्य कोई विकल्प देवे। हम लोग भी चाहते हैं कि ये कोरोना भगे, इसके लिए हमने काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, एक मुसीबत व्यापारियों के साथ फिर वापस आ पड़ी है। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और व्यापारी आज तक वो महसूस कर रहे हैं, सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस तरह से लॉकडाउन है ये पूर्ण नहीं लगाया जाए। प्लस हम अपना अवेयरनेस के लिए, हर व्यापारी के लिए, हर आने वाले ग्राहक के लिए मास्क अनिवार्य कर दें, सोशल स्टैंडिंग कर रखें, और उसके साथ साथ में हम ऐसा एक रूप बना के शहर को दें कि वहाँ पर हम एंट्रेंस पे ये लगाएं कि बिना मास्क किसी भी ग्राहक को अंदर आना मना है। और इसके साथ साथ सरकार से भी मांग करते हैं कि लॉकडाउन या और कुछ सख्ती व्यापारियों पर नहीं की जाए, जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू चल रहा है, उसका समय उन्होंने 9 बजे रख दिया है, इसको ज़्यादा और नहीं कम किया जाए, जिससे कि हम मानना तो जो हमारा व्यापार है वो निश्चित तौर पर घट रहा है, और इसी तरह का अगर करते रहेंगे तो व्यापारी वापस उसी पोजिशन पर पहुँच जाएंगे जो पिछले वर्ष। हनुमानगढ़ रा बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी देर रात फरार हो गया। इन तीनों माथे न्यारा न्यारा न्यायालय माए एनडीपीएस आर दूजा मामला चल रहा है। घटना रो कारण मुख्य दरवाजा माथे गार्ड कोनी होड़ो बताया जा रहा है। इन सो बाल अपचारी भागबा माए कामयाब हुआ। रात को करीब 2:30 बजे नाकाबंदी करी गई है। बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी के फरार होने की सूचना मिली थी, और जिस पर तुरंत नाकाबंदी करवाई गई और संबंधित एड्रेस जो उनके निवासी मकान है वहाँ पर तलाश हेतु जो संबंधित थानों को सूचित किया गया और कंट्रोल रूम के मार्फत नाकाबंदी कराई गई। प्रदेश में कोरोना र बढ़ता संक्रमण के कारण दूजा राज्यों से लगती सीमावा ने सील करो गया है। प्रतापगढ़ जिला सोसाइटी मध्य प्रदेश से लगती राजपुरिया बॉर्डर माथे मध्य प्रदेश कानी से आबाड़ी प्रत्येक यात्री रो स्क्रीन टेस्ट करो जा रहे है और एक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल और पुलिस अधीक्षक सीमा माथे विशेष चेकिंग आदेश दिया है। सीमा माथे स्थित थाना हाथुनिया माथे जिला कलेक्टर पुगियर स्थिति रो जायजो लियो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ने तहत 10 अप्रैल ताए प्रदेश री ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में लाग रियो विशेष पंजीयन शिविरा में रजिस्ट्रेशन रो काम जारी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि इन विशेष पंजीयन शिविर रे पछे भी लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन और ई मित्र केन्द्र रे माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया सकेला। 1 मई से यह योजना प्रदेश में लागू हो जावेली। दौसा माए सांसद जसकोर मीणा आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति री बैठक ली। इन मौके में केंद्र सरकार री योजनाओं री समीक्षा करेगी। इन दौरान सांसद राजस्थान राज्य आजीविका मिशन रे माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने सशक्त बनावर योजना रा प्रभावी क्रियान्वयन रा निर्देश दियो। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई समस्त योजनाओं की समीक्षा की जाती है, और इस समय जल अभाव है, गर्मियों के दिन है, मजदूरी के लिए हमारा नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत होता है, तो आवश्यकता अनुसार जिन जिन पंचायतों में जिन जिन क्षेत्रों में अभी काम स्वीकृत होने हैं उन सब की भी समीक्षा होगी। साथ ही जो नई योजनाएं हैं, अटल भूजल योजना है, अपने सामर्थ्य योजना है, और एक राजस्थान आजीविका मिशन के नाम से बहुत बड़ी योजना 2016 से जो शुरू हुई है, मैं विशेषकर उसके बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ कि उसकी क्रियान्विति सही हो रही है या नहीं, और उसकी क्रियान्विति को सही कराना, ये मान के चलो कि हम गांव के हर परिवार की एक बहन को सक्षमता दे सकेंगे। भरतपुर में बाल कल्याण और अधिकारिता विभाग अधीन जीवन ज्योति चाइल्डलाइन
માં એક ટાબર રે સાથે વ્યા અભદ્ર વ્યવહાર મામલા માં સંચાલક સુરેશચંદ્ર શર્મા સમેત પાંચ ટાબરારા પોલીસ શિકાયત માં નામ દર્જ કરવાયા હે મામલા ને લેર રાજસ્થાન બાલ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ રી અધ્યક્ષ સંગીતા બેનવાલ અધિકારીઓ ને આરોપીઓ રે ખિલાફ સખ્ત કાર્યવાહી રા નિર્દેશ દિયા હે હમારે સામને આયા હે ઉસકો ભી બહોત ગંભીરતા સે લિયા ગયા હે મુજે ખુશી હે કે યહાં કી બાલ કલ્યાણ સમિતિ ને તુરંત પ્રભાવ સે ઇસમે એક્શન લિયા ઓર અપની અચ્છે સે ભૂમિકા નિભાઈ चोरू में राजस्थान बटालियन रा मैदान में बी प्रमाण पत्र खातिर प्रायोगिक परीक्षा हुई परीक्षा में 476 एनसीसी कैडेट्स भाग लेना इन परीक्षा में मैप रीडिंग हथियार संबंधी जानकारी और ड्रिल रा संबंधी में परीक्षा ली गई है ये पूरे जयपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर जो भी यूनिट्स आती हैं उनमें जो सेकेंड ईयर के एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट होता है उसका आज पहला दिन है जिसमें कि कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम उनका प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे हैं और कल के दिन बचे हुए प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और जो कैडेट इस एग्ज़ाम्स में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको बी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। भारत विकास परिषद राज उत्तर पूर्व प्रांत कानी सु काल जयपुर माए प्रांतीय कार्यकारिणी दायित्व ग्रहण और प्रथम प्रांतीय बैठक रो आयोजन करवा गया कार्यक्रम माए संस्था राष्ट्रीय महासचिव श्याम शर्मा समेत प्रांत और रीजन रा अधिकारी शामिल हुआ इन मौके पदाधिकारियों ने शपथ भी दिलवाई गई कार्यक्रम माए प्रांतीय महासचिव आर एस त्यागी बताया कि संस्था समाज रा उत्थान और कल्याण खातिर काम कर रहा है आज इस प्रांत के नए प्रांतीय अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष इनका चयन होकर के आज इनका दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम है खुशी की बात यह है कि आज जयपुर में 6 और नई शाखाओं ने एक अपना जन्म लिया है जो आने वाले 10 15 20 दिनों में अपना नियमित कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगी इस प्रकार से समाज के लोगों के लिए चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो सेवा का क्षेत्र हो संस्कार का क्षेत्र हो देशभक्ति का क्षेत्र हो इन सब में किस प्रकार से जागरण का कार्य किया जाए और सबके मन में अपने समाज के प्रति समाज के दीन दुखियों के प्रति और देश के प्रति प्रेम का भाव नियमित रूप से जागृत होता रहे और सब उसको अपने व्यवहार में ले आएं एक अनुशासित जीवन किस प्रकार से जिए इसके लिए भारत विकास परिषद पूरे देश भर में काम कर रही है इस प्रांत में नॉर्थ ईस्ट प्रांत में हमारी लगभग 35 शाखाएँ काम कर रही हैं तो 35 शाखाओं के जो हमारे दायित्वधारी हैं वो भी इसमें आए हुए हैं सभी यहाँ शपथ लेंगे और आगे की कार्यकारिणी आज से कार्य करना आरंभ कर दें जो परिषद करता है परिषद संस्कार और सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है परिषद की मान्यता है कि भारत का विकास हो लेकिन विकास भारतीय मान्यताओं भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति को लेकर आगे बढ़ा जाए और फिर विकास किया जाए ये परिषद की मान्यता है विप्र सेना विद्याधर नगर और विप्र सेना राजस्थान रा सानिध्य माए काल जयपुर माए विप्र पंचायत और होली स्नेह मिलन समारोह रो आयोजन कराया गया कार्यक्रम माए जयपुर सांसद रामचरण बोहरा मुख्य सचेतक महेश जोशी पैलेरा मंत्री अरुण चतुर्वेदी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहा कार्यक्रम माए विप्र सेना रा प्रमुख सुनील तिवाड़ी कया कि राजस्थान माए समाज रा न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करेगी लोग एक होंगे तो जब तक लोकसभा विधानसभा में हमारे लोग ज़्यादा ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंचेंगे जब तक समाज की बात आगे नहीं पहुंचेगी इसी के संदर्भ में आज विप्र पंचायत का हमने आयोजन किया है जयपुर की 9 विधानसभाओं में अलग अलग और बाद में एक महापंचायत होगी और राजस्थान की 36 अलग अलग विधानसभाओं में जहाँ जिसको हमने चयनित किया है वहाँ ये पंचायतें होंगी जिसमें 1000 से 500 लोग होंगे महापंचायत में हम एक बड़ा आयोजन करेंगे विप्र सेना का मुख्यतः तो शोषित पीड़ित वंचित के लिए हम लोग काम करते हैं इसके अलावा बच्चों की छात्रवृत्ति उदयपुर में हमारी एम्बुलेंस ये विप्र संबल योजना मैंने आपको बताई दी इस तरीके के अनेकों कार्य जो सेवा के जो हैं विप्र सेना कर रही है विप्र सेना का जो एक मेन उद्देश्य है वो है पूरे ब्राह्मणों को एक करना और एक करके जो भी विप्र सेना के या ब्राह्मणों के समाज के जो मुद्दे हैं उन सबको हल करना और ऊँचाइयों को ब्राह्मण समाज विप्र समाज ऊँचाइयों तक पहुँचे ये विप्र सेना का उद्देश्य है
प्रदेश में गर्मी रा तेवर तीखा होबो लाग्यो है। अधिकांश ठोरा माथे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे बत्ती तापमान बाड़मेर में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गया है। इसके अलावा जयपुर जैसलमेर में 42.7, बीकानेर में 41.2, जोधपुर 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गया है। मौसम विभाग रे मजब प्रदेश रा पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा में कठे कठे लू चालबारी संभावना है। वठे आवाड़ा दो दिन में कुछ ठोरा माते धूल भरी आंधीरा आसार छे। आइए अब बात करा हाँ अपनी और अपरारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसो एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आइए जाड़ा हाँ के कोरोना से बचाव खातिर काई है जरूरी कदम। और अब खबर माथे एक बार फिर प्रमुख खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड यथोचित व्यवहार और टीकाकरण ने गंभीरता से लागू करवा माथे दियो जोर। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर रो प्रसार रोकवा खातिर गृह विभाग 19 अप्रैल तक खातिर विशेष गाइडलाइन करी जारी। शहरी क्षेत्र में कक्षा 9 तक स्कूल बंद। शादी में सिर्फ 100 मेहमानों की अनुमति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। काल 1729 लोग में संक्रमण की हुई पुष्टि। सबसे बत्तू जयपुर में 258 नवा मामलो आयो सामने। देश में कोरोना वैक्सीनेशन पकड़ी रफ्तार। 7,91,00,000 लोगों ने लगवाया जा चुका है टीको। प्रदेश में भी जारी है कोरोना टीकाकरण। और प्रदेश में गर्मी रहते तेवर तीखे। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार। आबाड़ा दो दिनों में धूल भरी आंधीरो है आसार। राजस्थानी समाचार में इतना ही। नमस्कार।